सुपर 30 में मैं प्रणव जी का किरदार निभा रहा हूँ एंड वो आनंद जी के छोटे भाई हैं एंड दोनों ने साथ में मिलकर सुपर 30 फॉर्म किया है एंड यू नो उनकी जर्नी जो भी आनंद जी ने किया है प्रणव जी ने हमेशा उनका साथ दिया है. यहाँ तक कि प्रणव जी का जो अपना खुद का सपना था वो भी उन्होंने छोड़ दिया जिसमें उनको वायलिनिस्ट बनना था एंड ही डिसाइडेड दैट ही इज़ गोइंग टू सपोर्ट हिज एल्डर ब्रदर इन फॉर्मिंग सुपर 30 एंड अ वेरी सिंपल मैन बट येट अ वेरी पावरफुल मैन आई वुड से बिकॉज आनंद जी वॉज हमेशा आनंद जी का ध्यान था कि बच्चों को पढ़ाना कैसे उनको मैथ्स कैसे सिखाना है एंड प्रणव जी वॉज द वन जो पूरा मैनेजमेंट संभालते थे जो सिलेक्शन में हेल्प करते थे बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आनंद जी और प्रणव जी को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे जो वहाँ का लोकल माफिया था प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था सिस्टम से उनको जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे आई थिंक प्रणव जी विदाउट प्रणव जी इट वुड हैव बीन पॉसिबल. ही वॉज द वन हु वॉज हैंडलिंग एवरी थिंग फॉर आनंद जी सो दैट ही कुड कॉन्सेंट्रेट बच्चों को पढ़ाने पर एंड ही इज़ अ फैमिली मैन कम्प्लीटली. यू नो ही इज़ समबडी जिन्होंने अपना सारे सपने अपने सेक्रीफाइस करके सबके बारे में बुला के एंड ही इज़ ओनली थॉट अबाउट हिज ब्रदर एंड हेल्प हिम. सो आई थिंक अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन एंड अ सिक्योर पर्सन कैन डू दैट एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई वॉज एबल टू पोर्ट्रे हिज कैरेक्टर इन द फिल्म. जी मुझे है ना मैं आई थिंक सबसे लास्ट में जिनको फाइनल किया गया वो मेरा ही किरदार था प्रणव का किरदार. आई वॉज वन ऑफ द लास्ट पर्सन पीपल ऑन द फिल्म एंड मेरे पास करीब करीब 2 महीने थे सारी चीज़ें समेट कर सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करने के लिए. सो मेरे साथ है ना करी जैसे क्रैश कोर्स होता है वैसे हुआ था. मेरे जितने भी 5-6 महीने की जितनी इन्फॉर्मेशन थी जो सब ने कलेक्ट की थी और मेकर्स जो जैसे विकास भाई वॉज वर्किंग ऑन द फिल्म सिंस ईयर्स सो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन वॉज डम्प्ड ऑन टू मी एंड आई हैड टू जस्ट एब्जॉर्ब एवरीथिंग. इट वॉज लाइक अ क्रैश कोर्स. तो मुझे सारी चीज़ें होल्ड पर डालनी पड़ी. माई ट्रैवल प्लान्स माई पर्सनल लाइफ माई इवेंट्स माई शूट्स एवरीथिंग वॉज ऑन होल्ड एंड फॉर दोज 2 मंथ्स आई वॉज जस्ट कम्प्लीटली इमर्स्ड इन टू एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग. जो भी इंफॉर्मेशन मुझे दी जा रही थी उसी में मुझे डायलॉग सीखनी थी उनकी लाइफ्स के बारे में जानना था उनके पसंद नापसंद वायलिन सीखना उनके चलने खाने पीने का ढंग उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है उनको गुस्सा किस चीज़ पर आता है किस चीज़ पर वो मुस्कुराते हैं ऑल दैट हैड टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड अप्लाइड. सो आई थरली इन्जॉय द प्रोसेस. मुझे इतना हाँ बोलिए जी हाँ आई वॉज कमिंग टू दैट. सो व्हाइल आई वॉज एब्जॉर्बिंग ऑल ऑफ दिस मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प जो मिली वो प्रणव जी से मिली एंड दैट वॉज द मेजर रीज़न दैट आई कुड प्रिपेयर इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम फॉर दिस कैरेक्टर. बिकॉज प्रणव जी से बात करके मुझे जो चीज़ें मुझे पढ़ के या स्क्रिप्ट में पढ़ के समझ में नहीं आती थी या मुझे वो थॉट समझ में नहीं आता था वो मुझे प्रणव जी से बात करके समझ में आता था. प्रणव जी हैड गिवन मी दैट लिबर्टी एंड ही हैड मेड हिमसेल्फ सो अवेलेबल दैट आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए कभी भी सवाल पूछिए आपको मिलना है तो मैं मुंबई आ जाऊँगा आपसे मिलने के लिए. सो ही वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस कैरेक्टर. Well, with Hrithik sir, with Mrunal, it's been a great experience working with, especially with Hrithik sir. He's a brilliant human being, a brilliant actor, but itne achhe insaan hai that he makes you feel comfortable around him. He knows that agar main apne aas paas ke baaki ke actors ko comfortable feel karaunga, to you know the chemistry would look better on screen. That we'll be able to create that magic on screen. So I think there was so much to learn from him. There was I feel there was so much. Dada mat kijiye please. Sorry sir. No problem. So yeah, in short I feel there was
there was so much to learn from Hrithik sir. It would always stay with me throughout my life. जी दोनों बिल्कुल अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग स्टोरी टेलिंग है, दोनों का बेस अलग है. सो बट द गुड थिंग इज आई गॉट टू डिफरेंट रोल्स टू प्ले एंड आई गॉट टू डिफरेंट वेरी डिफरेंट स्टोरीज एंड आई वुड कंसिडर माई सेल्फ रियली रियली लकी के एक के बाद एक दो बहुत ही अलग तरीके के किरदार मुझे निभाने को मिले. सो जस्ट फॉर्चुनेट दैट आई बी एबल टू reach the audience and they would be able to see two different sides of me playing two different characters completely. Isme sir aap manage kar rahe hain management ka isme kya hai isme kaun sa character manage. Sorry aapki sawal nahi samajh mein aaya. Family of Thakur Ganj ke character ke bare mein bol sakte hain. Family of Thakur Ganj mein main ek professor play kar raha hu aur ek simple insaan jiski apni values hain, ek value system hai apna, uski apni एक थॉट प्रोसेस है जो वो अपने फैमिली वालों से, अपने भाई से अग्री नहीं करता है कुछ चीज़ों पे. सो इट्स अ स्टोरी अबाउट हाउ इंटरनली हमारे थॉट्स अलग हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग हैं, बट स्टिल एज अ फैमिली वी आर टुगेदर. व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स हम अपनी फैमिली को इफेक्ट नहीं होने देते हैं. सो इवन इन द मोस्ट एडवर्स कंडीशंस हाउ दिस फैमिली स्टेज टुगेदर एंड फाइट्स एवरीथिंग इज द स्टोरी इन शॉर्ट अबाउट फैमिली ऑफ ठाकुरगंज. But there is a lot of layering to it as to why it happened, how it happened, और बहुत सारा thrill element है which I can't talk about right now because that's something which you will love in the film. So once you watch it, you will realize how beautifully this story has been put together, एक family की, and to what extent a family can go to protect each other. I think it was brilliant just shooting with Mahi, Jimmy, Saurabh ji, and it's been a brilliant experience, a very very good learning experience, and just fortunate to be working with such great actors in both the films and both of them releasing back to back. Finally, in dono films aapko kya seekhne ko mila, aapko kya seekhne ko mila, aapko kya seekhne ko mila? A lot of things. I from Super 30 I got to learn a lot of things from those kids. Such innocent souls with so much purity, they would emote. So that was the best thing that I learned from Super 30, from these kids. And from Family of Thakurganj, there was a lot about the brother bonding, how each brother would stand for the other brother, and family ko kaise unite hoke rehna chahiye in spite of all the adverse conditions, how a family should always stand together. I think that they both have very different messages for the audience. So lot of things to learn. Please go and watch the film Super 30. It's releasing tomorrow on the 12th of July, and it's a beautiful story of these 30 kids, Anand ji and Pranav ji, and their relationship, and a very inspiring story. Please go and watch it and give your feedback. Thank you. Sorry, sir. Thank you.